हेलो दोस्तों, मैं कुंदन क्रांति आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक आई टी डिप्लोमा में आपका स्वागत करते हैं। तो जैसा कि हम लोग पहले के टॉपिक में पढ़ रहे थे, डाई के बारे में पढ़ लिए थे, कटिंग टूल्स में जितने भी इक्विपमेंट्स है वो उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। तो आज जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे थंबनेल में क्या है कि हमारा जो टॉपिक है वो मेटल है, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मेटल के बारे में, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग, और आप लोग को ये बता दें कि हमारे जो चैनल पे है पिछले जो जितने भी वीडियो है उसका क्या किया गया, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, और आप लोग वहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, पहले के वीडियो को आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक पे, समय न गवाते हुए चलते हैं अपने टॉपिक के पास। तो देखिए जैसा कि दिया गया कि मेटल होता क्या है। तो जैसा कि बता दें, जब भी हम क्या करते हैं खनिज को क्या करते हैं, सबसे पहले भूमि के अंदर से क्या करते हैं, खनन करके, यानी खनिज को हम क्या करते हैं, उसको खनन करके उसको निकालते हैं, यानी खोदने के रूप में उसको निकाला जाता है, ठीक है। और फिर उसको बहुत सारी प्रक्रिया द्वारा उसको क्या किया जाता है, साफ किया जाता है, फिर जाके उसमें से क्या निकलता है, अयस्क निकलता है, ठीक है। तो ये देखिएगा आप लोग, खनिज यानी मेटल को क्या करते हैं, हम पहले खनन करते हैं, भूमि के अंदर से निकालते हैं, फिर उसको साफ करने के बाद, बहुत सारी क्रिया करने के बाद क्या किया जाता है, उसमें मेटल के रूप में तैयार होता है, ठीक है। तो ये देख लिया, अब हम देखते हैं इसमें क्या होता है कि मेटल में, यानी प्रॉपर्टी देखते हैं, यानी उसके गुण बारे में देखते हैं, गुण के बारे में देखते हैं। तो हमको आपको बता दें कि पहला दिया गया कि फिजिकल प्रॉपर्टी, और दूसरा है मैकेनिकल प्रॉपर्टी, और तीसरा है केमिकल। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे फिजिकल में, ठीक है, फिर मैकेनिकल में देखेंगे और केमिकल में। तो आपको बता दें यहाँ पे जो है फिजिकल और क्या हुआ मैकेनिकल पढ़ेंगे, और केमिकल जो है हमारे वो क्या होते हैं ट्रेड में उतना मायने नहीं रखता, इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा कम देखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला दिया क्या है, रंग के बारे में, यानी धातु का कैसा रंग होगा, धातु का रंग कैसा होगा। देखिएगा आप लोग सबसे पहले उसको कैसे पहचानेंगे, तो उसमें क्या होता है रंग के आकार पे, जैसे सोना आप लोग देखेंगे तो सोना का जो रंग होता है क्या होता है, सुनहला होता है, आप लोग परिचित होंगे सोने से, तो सोना का रंग क्या होता है, सुनहला होता है। यहाँ पे देखिएगा सोना का जो कलर होता है क्या होता है, सुनहला होता है, ठीक है। चांदी का भी देखेंगे आप लोग सफेद होता है, इस प्रकार से सोना चांदी हो गया, कॉपर का क्या होता है वो पीले टाइप का रहता है कुछ, इस प्रकार से देखिएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग इसके क्या होता है बनावट के आकार पे, यानी धातु किसके आकार में या बनावट कैसा होता है। तो आपको बता दें धातु में क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, देखिएगा आप लोग कि ये लिखा रहेगा आपको कि माइल्ड स्टील, या नहीं तो लिखा रहता है माइल्ड स्टील का जो बनावट होता है वो कैसा होता है, ग्रेनुलर होता है या फाइब्रस होता है या क्या बोलते हैं उसको। तो देखिएगा माइल्ड स्टील का जो होता है वो क्या होता है, फेब्रस होता है, फेब्रस कहने का अर्थ होता है फेब्रस कहने का अर्थ क्या हुआ, उसमें जो होता है वो धातु का जो कण होता है वो रेशे के रूप में होता है, ठीक है। अगला हम देखते हैं स्टील में जो धातु का कण होते हैं, यानी धातु के जो वो कण होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रेनुलर के साइज में होता है, ग्रेनुलर आकार में होता है, यानी वो क्या होता है दानेदार के आकार में होता है। अब आगे देखते हैं हम लोग कास्ट आयरन के बारे में, कास्ट आयरन इसमें भी क्या होता है, इसमें होता है ग्रेनुलर, इसमें भी ग्रेनुलर आकार का होता है, यानी दानेदार के रूप में होता है। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, ये देखिएगा हर एग्जाम में एक पूछ दिया जाता है कि ये कास्ट आयरन का क्या होता है बनावट जो होता है वो कैसा होता है, ग्रेनुलर होता है या फेब्रस होता है या स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये देख लिया हम लोग। अब आते हैं आगे ताप और विद्युत के क्या होता है सुचालक, यानी ताप इसमें क्या होता है, ताप जब हम देखें या विद्युत का उसमें क्या करते हैं, विद्युत जब प्रवाह करते हैं तो उसमें क्या होता है आसानी से फॉलो होता है या नहीं होता है। तो इसमें सुचालक कहने का तो क्या हुआ कि उसमें क्या होता है धातु में जब हम इलेक्ट्रिक को प्रवाह करेंगे तो क्या हुआ आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है, ये धातु का क्या होना चाहिए एक फिजिकल प्रॉपर्टी में आता ही है। आगे हम आते हैं क्या होता है ये चुंबकीय, यानी मैग्नेटिक का गुण भी उसमें क्या होता है होना चाहिए, ये देखिएगा मैग्नेटिक का भी गुण एक क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक का भी गुण होना चाहिए, यानी एक चुंबकीय के रूप में होना चाहिए। तो हम देख लिए थे चुंबकीय गुण के बारे में। अगला हमारा गुण आता है अपारदर्शक के बारे में। तो अपारदर्शक क्या होता है, धातु का सभी धातु क्या होते हैं अपारदर्शक के रूप में होते हैं, यानी उसके धातु से क्या कर सकते हैं हम आर पार नहीं देख सकते। तो इसमें क्या होता है एक अपवाद के रूप में होता है, ये अपवाद जो होता है क्या होता है ये पारा होता है, ये देखिएगा पारा, ये पारा जो होता है क्या करते हैं उसको हम आर पार देख सकते हैं, थर्मामीटर में देखे होंगे आप लोग पारा रहता है उसको हम क्या करते हैं देख सकते हैं, उसको आर पार देख सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा आता है भार के रूप में, भार क्या होता है तो जितना उसका क्या होगा घनत्व ज्यादा होगा, यहाँ पे देखिएगा आप लोग मेटल में जितना इसका घनत्व होगा, ग्रेन का जो आकार हो यानी उसमें जो एटम्स होते हैं वो पास होते हैं, जितना अगर वो उतना नजदीक में होगा तो उसका भार क्या होगा ज्यादा होगा। तो देखिएगा यहाँ पे घनत्व जितना बढ़ेगा उतना क्या होगा उसके भार भी उतने बढ़ेंगे। तो ये हम फिजिकल प्रॉपर्टी देख लिए। अब आगे आते हैं इसमें क्या होता है धातु के घनत्व के बारे में देखेंगे। तो जैसा कि पहले हम यहाँ पे लिखा गया कि क्या है एल्युमिनियम के बारे में, तो ये बहुत सारे एग्जामों में एल्युमिनियम क्या किया जाता है इसके आपेक्षिक घनत्व यानी डेंसिटी पूछ लिया जाता है घनत्व के बारे में। तो ये आप लोग क्या करिए ये इंपॉर्टेंट ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला देखते इसमें देखते हैं इसका जो घनत्व होता है वो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये जो डाटा दिया गया ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। अब आगे आते हैं हम लोग माइल्ड स्टील के बारे में, माइल्ड स्टील का ये क्या होता है घनत्व पूछा जाता है तो 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है।
अगला आता है कॉपर के बारे में। ये कॉपर देखिएगा, कॉपर जो होता है उसका होता है 8.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये जो घनत्व दिया गया वो क्या है, देख रहे हैं आप लोग बढ़ते क्रम में, क्या है बढ़ते क्रम में दिया गया। आगे हम आते हैं क्या है सिल्वर के बारे में। सिल्वर जानते होंगे आप लोग, इसको क्या बोलते हैं चांदी बोलते हैं। ये इसका जो घनत्व होता है वो 10.49 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसमें देख रहे हैं इसमें क्या घनत्व धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण वो क्या होगा धातु धीरे धीरे भारी होते जाएगा। सबसे हल्का ये पूछ लिया जाता है क्या कौन सा धातु, एल्युमिनियम होती है। और एल्युमिनियम का जो उपयोग होता है क्या होता है हवाई जहाज की बॉडी बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि वो क्या होता है हल्की धातु होती है। और हल्की क्यों होती है, उसका जो घनत्व होता है वो क्या होता है कम होता है, इसलिए वो क्या होता है हल्की होती है। आगे देखते हैं लेड के बारे में। लेड है इसका जो घनत्व होता है 11.34 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगला आते हैं हम टंगस्टन के बारे में। टंगस्टन क्या होता है कठोर होता है। इसका जो घनत्व होता है वो 19.25 ग्राम पर सेंटीमीटर। ये सारे डाटा जो है क्या है? एक वो जो निमी का जो बुक है उससे लिया गया ये सारा डाटा है जो एग्जैक्ट मान है। अगला हम आते हैं गोल्ड, गोल्ड के बारे में। गोल्ड जो है उसका जो घनत्व होता है 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो ये देख लिया हम घनत्व के बारे में। अब आते हैं अगला जो हमारा है वो गलनीयता है, यानी धातु क्या होता है जिस तापमान पे क्या होता है गलने लगता है, गलने करने का थोड़ा द्रव के रूप में क्या होता है परिवर्तित होने लगता है, उसी को क्या कहते हैं हम गलनीयता कहते हैं। तो यहाँ पे ये चार्ट के बारे में चार्ट दिया गया है, उसमें क्या है धातु के नाम लिखे गए हैं और इसमें उसका क्या है गलनांक है। ये एग्जैक्ट डाटा एक निमी के बुक से लिया गया डाटा है, तो आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं इधर इसमें डाटा इधर उधर हेरफेर नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग क्या कर सकते हैं इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम चलते हैं इसके पहला दिया गया इसमें टीन। इसमें क्या होता है तो एक या दो क्वेश्चन इससे क्या कर लिया जाता है हर एग्जाम में पूछा जाता है आप लोग। अगर इसको आप लोग क्या करते हैं एक ट्रिक के माध्यम से या अपने माइंड में कॉन्सेप्ट अगर बैठा लेते हैं तो क्या होता है ये आराम से आप क्या कर सकते हैं उस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसमें पहला है क्या टीन। टीन इसमें क्या होता है टीन का गलनांक पूछा, टीन का जो गलनांक होता है वो कितना होता है 232 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं कैडमियम में। कैडमियम ये 320 डिग्री सेल्सियस। ये जो टीन के बारे में देख रहे हैं ये आप लोग क्या है बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया है टीन के बारे में। ITS रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें क्या किया जाता है एक ना एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है टीन। इसमें देख लिया, अब आगे आते हैं सीसा। सीसा का जो गलनांक होता है वो 327 डिग्री सेल्सियस होता है। प्लम्बम सीसा को प्लम्बम कहते हैं, यानी पीबी के नाम से इसको पीबी इसका जो संकेत होता है वो पीबी होता है। अगला आता है ये जास्ता। ये देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है आपको जास्ता। इसका जो होता है वो अयस्क भी पूछा जाता है और इसका ये क्या होता है गलनांक भी पूछा जाता है। इसका गलनांक होता है 415 डिग्री सेल्सियस। ये जो ये है 415 डिग्री सेल्सियस। आगे हम आते हैं एंटीमनी के रूप में। एंटीमनी का जो गलनांक होता है कितना आता है 634 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर आगे आते हैं हम लोग इसमें देखिए एल्युमिनियम। यहाँ पे देखे हुए एल्युमिनियम का जो अपेक्षित घनत्व होता है क्या होता है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर को। इसी प्रकार से इसमें क्या होता है इसका देखिएगा गलनांक 600 कितना होता है 48 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे आते हैं कांसा के बारे में। तो कांसा में कितना होता है 950 डिग्री सेल्सियस। सिल्वर, सिल्वर का होता है 963 डिग्री सेल्सियस। और पीतल का ये क्या होता है यह इतना 880 डिग्री न्यूनतम और मैक्सिमम कितना रहता है 930 डिग्री तक रहता है। इसी प्रकार से आप लोग देखिए आगे गोल्ड का 1064 डिग्री होता है, तांबा का 1083 डिग्री। ये तांबा के बारे में भी ये पूछा जाता है, ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये देखिएगा तांबा के बारे में। आगे आते हैं कास्ट आयरन में। अब आगे हम कास्ट आयरन, कास्ट आयरन का जो ये होता है 1250 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे हम देखते हैं तो क्रोमियम के बारे में। तो क्रोमियम का जो गलनांक होता है वो 1380 डिग्री। अब देख रहे हैं धीरे धीरे क्या होते जा रहा है इसका जो तापमान है वो बढ़ते जा रहा है। अब आगे आते हैं हम नाइक्रोम के बारे में। तो नाइक्रोम का जो गलनांक होता है वो 1400 डिग्री सेल्सियस होता है। सिलिकॉन का 1411 डिग्री, अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। मैंगनीज का 1445 हो गया। इसी तरह से ये देखिएगा मेल स्टील का भी पूछा जाता है, तो मेल स्टील का 1500 से 1530 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसमें आ जाइएगा आप लोग ये कार्बन का ये 3500 ये भी पूछा जाता है कार्बन के। इसके बाद डायमंड का भी पूछा जाता है और वेनेडियम ये भी। ये इतने सारे नोट करते जाइएगा, यानी इसमें दो चार क्वेश्चन ऐसे जो हाईलाइटेड वो बार बार रिपीटेड होते जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये देख लिया हम गलनीयता के बारे में। अब आगे आते हैं हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी में, यानी ये क्या होता है यही गुण हमें क्या होता है फीटर या फीटर से रिलेटेड जितने फीटर मशीनिस्ट टर्नर ये सब में क्या होता है इसी गुण को हमें मैकेनिकल ट्रेड में पूरा जानना रहता है। इसमें से कुछ आप लोग क्या बचपन में पढ़े होंगे जानते भी होंगे इसके बारे में, और कुछ क्या होता है तो वो मैकेनिकल ट्रेड में कुछ नया आता है या पहले भी आप लोग पढ़े होंगे। तो आइए हम बारी बारी से इसका क्या करते हैं अध्ययन करते हैं। तो पहला देखते हैं हम लचीलापन, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है तो हम क्या करते हैं यानी बाह्य बल लगाने के बाद यहाँ पे देखिएगा मान लीजिए हमारे क्या है एक तरह से क्या है ये रॉड है, इसमें हम अगर बाहरी बल लगाएंगे तो क्या होगा ये थोड़ा सा क्या होगा अपने आकार से थोड़ा सा परिवर्तित हो, या तो ये मुड़ेगा। ठीक, अगर ये मुड़ गया, अब मुड़ने के बाद अगर हम बाह्य बल क्या किए हटा लिए तो ये क्या होगा अपने अपने आकार में फिर पुनः वही वापस क्या होगा अपने पुनः वही आकार में चला जाएगा। जैसा कि आप लोग स्प्रिंग जानते होंगे, स्प्रिंग क्या होता है जब हम उसको खींचते हैं तो क्या होता है उसका जो आकार होता है वो बढ़ जाता है, और हम जब छोड़ते हैं तो वही पुनः अपने शेप में आ जाता है। तो लचीलापन वही हुआ, क्या हुआ इलास्टिसिटी, यानी खींचने पर क्या हो बाइबल लगाने पर वो अपने आकार में परिवर्तन कर ले, और अगर बाइबल हटा दे तो क्या हो पुनः अपने शेप में आ जाए। ठीक है, और जस्ट इसका देखिएगा इसके रिलेटेड होता है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी ये देखिएगा इसमें भी वही होता है, क्या होता है बाइबल लगाने के बाद क्या होता है इसमें परिवर्तन तो होता है पर वो क्या होता है पुनः अपने शेप में
क्या होता है उसमें पुनः अपने शेप में आ जाता है। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग प्लास्टिसिटी देखते हैं। प्लास्टिसिटी में तो प्लास्टिसिटी धातु का वो गुण होता है जिसमें क्या करते हैं बाय बल लगाने के बाद वो क्या होता है तो पुनः अपने शेप में नहीं आता, यानी वो क्या होता है जहां से मुड़ जाता है वहीं रुक जाता है। ठीक है, तो प्लास्टिसिटी देख लिए, जस्ट इसके ऑपोजिट होता है। प्लास्टिसिटी में बाय बल लगाते तो क्या होता है अपने शेप में नहीं आता, यानी मुड़ जाता तो वो फिर अपने शेप में सीधा नहीं हो पाता है। ये देख लिए प्लास्टिसिटी के बारे में। अब हम देखते हैं टेनासिटी, यानी इसको क्या बोलते हैं खिंचाव बल, यानी इस पे जब हम क्या करते हैं धातु को अगर हम खींचते हैं, खींचने के बाद जितना बल लगाने पर क्या होता है वो टूटने का क्या करता है विरोध करता है। टेनासिटी खिंचाव जितना बल हम सहन करते हैं, यानी जितना बल तक वो क्या करता है सहन कर लेता है और वो टूटता नहीं है, उसी को हम क्या बोलते हैं टेनासिटी बोलते हैं। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग कठोरता के बारे में, यानी इसको क्या बोलते हैं हार्डनेस। ये आप लोग इसे परिचित होंगे हार्डनेस, आपको फिटर शॉप में क्या होता है जो जितने भी कटिंग टूल्स होते हैं वो क्या होते हैं हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं और वो हार्ड होते हैं, और ज्यादातर माइल्ड स्टील का होता है तो उसको हार्ड एंड टेम्पर कर लिया जाता है। आगे आते हैं इसमें कठोरता के बारे में, देख लिया क्या होता है धातु का वो गुण जिसमें क्या करता है अपने ऊपर खुरचने का विरोध करता है, यानी वो अपने ऊपर क्या करता है खुरचने का विरोध करता है। ठीक है, ये देख लिए कठोरता के बारे में। अब आते हैं हम लोग चिमड़ापन के बारे में, यानी टॉटनेस, यानी क्या होता है इसमें भी यह होता है कि ये धातु का वो गुण जिसमें क्या करता है वो टूटने का विरोध करता है। टाउटनेस के बारे में, बाह्य बल जब लगाते हैं तो क्या करता है टूटने का वो विरोध करता है। ये देखिएगा आप लोग क्या करता है ये टूटने का विरोध करता है, यानी क्या करता है वो अपने शेप में ही रहना चाहता है, वो टूटना नहीं चाहता, यानी टूटने का विरोध करता है। आगे आते हैं हम लोग डक्टिलिटी के बारे में, इसका जो हिंदी होता है डक्टिलिटी का होता है तन्यता, यानी हम उसको कितना तक क्या कर सकते हैं तान सकते हैं, यानी तन्यता हो गया। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो देखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन बनता है कि स्टील की तुलना में रबर क्या है कितना, क्या इसमें स्टील की तुलना में रबर कितना डक्टिलिटी, यानी इसमें डक्टिलिटी सॉरी इसमें बोलते हैं डक्टिलिटी में क्या आता है तन्यता का गुण है, इसमें क्या करते हैं हम धातु को इसको जितना क्या कर सकते हैं तार के रूप में ला सकते हैं। इसमें ये देखिएगा ये इसमें क्या कर सकते हैं हम तार के रूप में इसको क्या कर सकते खींच सकते हैं, यानी इतना लंबा होगा। तो इसमें ये क्वेश्चन बनता है इसमें कि सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन होता है, यानी उसमें क्या कर सकते हैं हम जितना तार के रूप में ला सकते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा सोना होगा। ठीक, लेकिन हम सोना का क्या करते हैं इसका उपयोग तार के रूप में नहीं करते, कॉपर का उपयोग करते हैं, यानी सबसे तन्य धातु होता है सोना, यानी उसको हम क्या कर सकते हैं बहुत कम सोने को, यानी सोने की मदद से हम क्या करते हैं बहुत लंबी थोड़ा सा अगर सोना भी जाए तो उसको क्या कर सकते हैं लंबी तार के रूप में हम खींच सकते हैं। आगे हम आते हैं मैलेबिलिटी के बारे में, इसको कहते हैं आधार वर्णीयता, यह धातु का वो गुण है जिसमें क्या कहते हैं हम उसको चादर के रूप में शीट मेटल में आप लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है चादर के रूप में उसको हम फैला देते हैं, यानी उसको ठंडी अवस्था में क्या करते हैं हम उसको चादर के रूप में फैलाते हैं, उसी को क्या कहते हैं अधातु वर्णीयता। अब आगे आते हैं हम इसमें क्या आता है ब्रिटलनेस, ये होता है भंगुरता, यानी धातु का वो गुण क्या होता है जिसमें हम क्या करते हैं उसको बाय बल लगाते तो क्या होता है टूट जाता है, इसी को हम कहते हैं ब्रिटलनेस। ये इसमें यह क्वेश्चन होता है कि इसका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो भंगुरता का जस्ट उल्टा क्या होता है, तो भंगुरता का जस्ट उल्टा होता है तन्यता, ये देखिएगा इसका अपोजिट जो होता है वो तन्यता होता है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या होता है भंगुरता होता है, और इसमें क्या होता है सबसे भंगुर जो आयरन यानी लोहा होता है वो क्या होता है कास्ट है, इसमें जो क्या होता है जरा सा भी झटका लगता है तो क्या होता है टूट जाता है। आगे आते हैं हम लोग मशीनेबिलिटी का गुण, यानी इसमें क्या होता है धातु का वो गुण जिसमें क्या करते हैं उसको मशीनिंग करने की क्रिया को क्या करते हैं उसमें मशीनिंग किया जाता है, धातु का वो गुण जिसमें हम क्या कर सकते हैं मशीनिंग कर सकते हैं, वही क्या कहलाता है हमारा मशीनेबिलिटी कहलाता है। आगे आते हैं हम लोग क्रिप के बारे में, ये क्रिप होता क्या है देखिएगा आप लोग, तो आप लोग पंखा तो देखेंगे सीलिंग फैन, उसमें क्या होता है एक निश्चित समय यानी नियत लोड पड़ने पर क्या होता है धीरे धीरे उसमें क्या होता है धातु में डिफॉर्मेशन यानी उत्पन्न होता है, जिसके कारण क्या होता है एक न एक दिन वो क्या करता है गिर जाता है, यानी एक इसमें लिखेगा कांस्टेंट लोड पड़ता है एक निश्चित बल, जब हम क्या करते हैं पंखे को लटका देते तो उसका जो वजन होता है 2 kg हो या 4 kg हो तो क्या करता है वो उतना द्रव्यमान पे वो लटके रहता है, और धीरे धीरे उसमें चलते चलते क्या होता है वो धीरे धीरे एक न एक दिन क्या करता है गिर जाता है, यही इसमें होता है कांस्टेंट लोड पड़ने पर क्या होता है उसमें डिफॉर्मेशन उत्पन्न होता है, कम डिफॉर्मेशन उत्पन्न होता है। आगे आते हैं हम लोग फटिंग रेजिस्टेंस के बारे में, देखते हैं फटिंग रेजिस्टेंस होता क्या है, आप लोग बेल्ट या पुली आगे पढ़िए या देखे भी होंगे तो बेल्ट या पुली क्या होता है उसमें देखिएगा आप लोग क्या होता है बेल्ट जब उस पर चलता है तो क्या होता है एक विपरीत लोड लगते रहता है, आगे जाता है तो पीछे वाला लोड आता है पीछे जाता है तो आगे वाला लोड आता है, इसमें क्या होता है बाह्य यानी धातु का वो गुण जिसमें क्या होता है विपरीत लोड अगर यानी जब पुली चलता है तो क्या होता है आगे बेल्ट की सहायता से वो आगे आता है तो पीछे का लोड क्या होता है आगे आता है फिर आगे का लोड पीछे जाता है, इस तरह से इसमें विपरीत लोड पड़ने पे क्या होता है वो टूटता नहीं है, यही हमारा क्या होता है फटिंग रेजिस्टेंस। आगे हम आते हैं इसमें क्या होता है स्ट्रेंथ के बारे में देख लेते हैं, तो स्ट्रेंथ क्या होता है
ये स्ट्रेंथ होता है, इसको हिंदी में कहते हैं हम सामर्थ्य, यानी गांव शहर में आप लोग सुने होंगे कि सामर्थ्य नहीं है, ये कहा जाता है। तो सामर्थ्य क्या होता है, धातु का वो गुण जिसमें क्या कर सकते हैं, मुझको जितना लोड देने पर वो क्या करता है, अपनी अवस्था में भंगुर यानी टूट नहीं पाता, उसी को हम क्या कहते हैं स्ट्रेंथ कहते हैं, यानी जितना लोड वो क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। ये स्ट्रेंथ के बारे में, लेत मशीन हो या किसी भी धातु किसी भी मशीन का जो बेड बनाया होता है किसका बनाया जाता है, कास्ट आयरन का बनाया जाता है, और कास्ट आयरन जो होता है वो स्ट्रेंथ सहनदायक होता है, उस पर क्या करता है वो स्ट्रेंथ को बहुत अधिक झेल सकता है, इसीलिए लोड को क्या करता है झेल सकता है, इसीलिए यही कहलाता है इसको सामर्थ्य कहेंगे, यानी धातु का वो गुण जिसमें क्या करता है भाई बल जितना वो सहन कर सकता है, ताकि उसमें क्या होता है आकृति में यानी विरूपण उत्पन्न नहीं होता, ये हमारा क्या कहलाता है सामर्थ्य कहलाता है। अब आगे हम लोग आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में, यानी धातु का वो गुण जिसमें क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टी, ये एक दूसरे से अभिक्रिया कर लेता है, यही हमारा क्या कहलाता है केमिकल प्रॉपर्टी कहलाता है। इसके बारे में हमें उतना नहीं जानना है फिलहाल, ये देखिएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टी से क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में हमारे कोर्स में क्या है इसके बारे में उतना नहीं दिया, फिर भी हम ये केमिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा सा देख लेते हैं, 9th 10th में ये क्या किया जाता है अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। तो हम आज हम देख लिए मेटल के, इसमें देखें मेटल में, फिर इसके फिजिकल और क्या देखें मैकेनिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में देखें, फिर इसके देखें धातु का घनत्व देखें, फिर इसमें गलनीयता के बारे में देखें, इसका जो गलनीयता कितना होता है, कौन सा धातु कितना गलनीयता होता है। तो आप लोग को आशा करते हैं आप लोग को वीडियो ये क्या होगा पसंद आया होगा। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।